अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं और ये भी चाहते हैं कि तेल पर सरकार किसी तरह की कोई सब्सिडी ना दे ताकि आपके देश पर विदेशी कर्ज ना बढ़े, तो मोदी सरकार ने आपके लिए एक नई प्लानिंग कर ली है। दरअसल मोदी सरकार आपकी पेट्रोल या फिर डीजल की कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव भी किया जा रहा है ताकि मौजूदा वाहनों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक सिस्टम की रेट्रोफिटिंग की जा सके। वैसे सरकार तो ये कदम प्रदूषण को कम करने के लिहाज से उठा रही है, लेकिन इससे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए तेल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इससे कार चलाने के खर्च में 50% तक की कमी आएगी। रेट्रोफिटमेंट के काम को 3 कैटेगरी में किया जाएगा: पैसेंजर व्हीकल, स्मॉल गुड्स कैरियर और 3,500 किलो से हल्के वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम, 3,500 किलो से भारी वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम और इंजन रिप्लेस कर वाहनों को इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस में बदलना। रेट्रोफिटमेंट में पेट्रोल या फिर डीजल इंजन कारों में इलेक्ट्रिक मोटर्स फिट किए जाते हैं और बैटरी लगाई जाती है। इसके बाद कार पेट्रोल या डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से चलती है और इससे 35% से लेकर 60% तक खर्च में कमी आती है। इससे एमिशन भी काफी घट जाता है। तो आप भी पेट्रोल की कीमत से परेशान होना छोड़ दीजिए और तैयारी कर लीजिए अपने व्हीकल को ये नया अवतार देने की। इससे आप अपनी जेब पर पड़ रहे बोझ को तो हल्का कर ही पाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी योगदान दे पाएंगे।